बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ माय स्टूडेंट्स एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड आई होप दैट यू आर फाइन एंड डूइंग वेल। दिस इज मी अरफान, योर मैथमेटिक्स टीचर। इन टुडेस क्लास वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट एक्सरसाइज नंबर 4.8। एज आई प्रॉमिस्ड यू टू टीच यू इन टुडेस क्लास अबाउट एक्सरसाइज नंबर 4.8 एंड 4.8 एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज for you as for your exam point of view, and this is also important for your learning aspect as well. So well, come to the point and we'll learn that how to expect the following. मतलब इस exercise में हम ये सीखेंगे किस तरीके से आप expect करेंगे by using the formula. तो number first जो आपके पास question है x plus 3y plus 2z whole square तो number fourth part 1/2a minus 4/3b plus 3/4 a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। तो कभी भी अगर आपको तीन टर्म्स के ऊपर स्क्वायर हो तो आपने फार्मूला यूज करना है, और दिस फार्मूला इज आल्सो नोन एज फार्मूला नंबर 10। तो आपको जो इस जो है वो क्वेश्चन जो दिया गया इस तरह के जो क्वेश्चंस है उसको आपने एक्सपेक्ट करना है बाय यूजिंग द फार्मूला। तो फार्मूला के ऊपर सूट और फिट करे सूट करेगा जो मैच करेगा उसको हो गया है। ये फार्मूला मैं अभी बोर्ड पर लिखा हुआ है, आपको मैंने पढ़ के बताया। इसको हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट को x + 3y + 2z² यूजिंग फार्मूला नंबर 10। ये उस सीक्वेंस के हिसाब से जो कि आपसे प्रीवियस क्लासेस में हम फार्मूला नंबर 9 8 और उससे प्रीवियस हम जो है वो डिफरेंट फार्मूला को यूज कर चुके हैं। फार्मूला नंबर 9 फार्मूला नंबर 8 बोथ वर वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, और अब जो हम इससे आगे जा रहे हैं फार्मूला नंबर 10 टू 11 12-15 तक फॉर्मूला हम जो है इस फोर चैप्टर के एंड तक 15 फॉर्मूला हम सीख जाएंगे, ठीक है। और अगर आपको इस एक्सरसाइज से कोई क्वेश्चन मिलता है तो आप में सिर्फ फॉर्मूला ही ध्यान में रखना, बाकी तो बहुत ज्यादा जो है वो सॉल्व है। और उसके बाद आपने जो है वो आपको डिफरेंट मतलब हर क्वेश्चन में ए प्लस बी जो जनरल टर्म है वो आपको डिफरेंट मिलेगी, आपको फॉर्मूला पुट करना है, सबट्रैक्ट करना है, देन यू कैन गेट योर आंसर इजीली। किस तरीके से करना है सो कम विद मी, आई एम इसको सॉल्व करते हैं, आईडिया आपको हो जाएगा। यूजिंग फार्मूला नंबर 10 a + b + c² ये होल स्क्वायर ऑफ थ्री टर्म्स कह सकते हैं a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। हियर व्हाट इज आवर x, व्हाट इज आवर b 3y एंड व्हाट इज आवर c 2z। अच्छा फिर यहां हमने क्या करना है, जहां जहां पर फार्मूले में a है वहां हमने क्या लिखना है x, जहां फार्मूले में b है वहां पे लिखना है 3y, और जहां फॉर्मूले में c है वहां पे लिखना है 2z। अगेन देखें फॉर्मूले में 2ab व्हाट इज आवर a x एंड व्हाट इज आवर b 3y, एंड फॉर्मूले में देखें bc एंड व्हाट इज आवर b 3y एंड व्हाट इज आवर c 2z, फॉर्मूले में देखें 2ca व्हाट इज आवर c 2z एंड व्हाट इज आवर a x। देन फिर आपने इसको सिंपलीफाई करना है, ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर, ये स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 और वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब ये स्क्वायर इज नॉट ओनली ऑन 2 बट इट इज आल्सो ऑन z, तो 2 का स्क्वायर अगर हम देखेंगे 4 और z का स्क्वायर z स्क्वायर। इन तीनों ब्रैकेट को आपने एक साथ सॉल्व कर रहे हैं दो ब्रैकेट को और कोएफिशिएंट को, तो 2 को आपने x से मल्टीप्लाई किया 2x, 2x को आपने 3y से मल्टीप्लाई किया, सो ये हो गया आपका 6xy। ऐसे आपने इनको मल्टीप्लाई करना है 2 3 6 और 6 2 12 y2z yz, और ऐसे तीनों ब्रैकेट को आपने मल्टीप्लाई करना है 2 2 4 xz। सो दिस इज योर आंसर ऑफ पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 1 का आंसर हुआ। इसी तरीके से पार्ट नंबर 4 है जिसकी वैल्यूज अकाउंट में स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज व्हेन दे सी द क्वेश्चन like this, so you don't need to get confused because there is a way to solve which I have already discussed before. कोई आपने same use करना है formula same रहेगा, terms को put करना है, add subtract करना आपको आता है, because आप
मैं इसको काफी टाइम से सीख भी रहा हूँ और आपको पता भी होगा, कोई सी मुश्किल बात इसमें है नहीं। तो पार्ट नंबर 4 1/2a - 2/3b + 3/4a2। तो यहाँ पर आपने ये देखना है कि यहाँ पर जो है वो फॉर्मूला सेम अप्लाई होगा और टर्म्स यहाँ पे चेंज है। तो क्वेश्चन लिखा यूजिंग अगेन फॉर्मूला नंबर 10, कंडीशन आप देख सकते हैं कि व्हेनेवर यू विल हैव स्क्वायर ऑफ थ्री टर्म्स देन यू विल यूज द फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला नंबर 10, जो कि क्या है a + b + c² + a² + b² + c² + 2b + 2bc + 2ca। अब यू विल पुट द वैल्यूज अकॉर्डिंगली, जहां पर a होगा वहां 1/2 है, जहां पर b होगा विद साइन -4.3 और जहां c होगा वहां 3/4। तो ये वैल्यूज को पुट करते हैं, व्हाट इज आवर a 1/2a, व्हाट इज आवर b -4/3b एंड व्हाट इज आवर c 3/4 एंड व्हाट इज आवर a 1/2a एंड व्हाट इज आवर b -2/3 एंड व्हाट इज आवर b -4/3b एंड व्हाट इज आवर c 3/4। लास्ट में आप देखें 2ca, व्हाट इज आवर c 3/4 एंड व्हाट इज आवर b 1/2a। सिंपलीफाई हमने किया, अब ये देखें 1/2a² 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a² ये इसकी सिंपलीफिकेशन हो गई। अब ये देखें माइनस का स्क्वायर प्लस और प्लस इनटू प्लस प्लस, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, b का स्क्वायर b² अब ये देखें स्क्वायर 3 पर नहीं है, 3/4 पूरे फ्रैक्शन में है, तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। यहाँ पर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स होती है लेकिन आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, तीनों ब्रैकेट्स को आपने एक साथ मल्टीप्लाई करना है, तो बहुत सिंपल है, वेरी सिंपल है। आप क्या करें कि इसको आप स्ट्रेट मल्टीप्लाई में भी कर सकते हैं या इसको आप क्रॉस भी कर दें, 2 से 2 कैंसिल कर दें, प्लस इनटू माइनस, माइनस a बन जा k और आप a को -2b से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा -2/3ab। ऐसे आप इसको सॉल्व करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई में, 3 से 3 कैंसिल और ये प्लस इनटू माइनस, ये माइनस आएगा, ये माइनस, 2 टू द 4 और 2 टू द 4 b/4, ये 4 से 4 कैंसिल और यहां आ जाए तो 2 से 2 कैंसिल और 3 बन जा 3/4a प्लस 3/4a, सब कुछ सेम रहेगा, 1/4a² प्लस 4/9b² प्लस 9/16 माइनस 2/3ab और प्लस b बचा और प्लस 3/4a। सो ये हो गया आपका आंसर और दिस हैज आल्सो रोल द एंड ऑफ टुडेस क्लास। आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाटएवर आई हैव टोल्ड यू थ्रू आउट दिस क्लास और नेक्स्ट वीडियो के लिए अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखें।